हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज शुक्रवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नेउतु। गतकालि देशर सबुठ उत्तप्त शहर भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 39.4 डिग्री रेकर्ड। गतकालि देशर सबुठ उत्तप्त शहर भुवनेश्वर भुवनेश्वर सर्वाधिक तापमात्रा 39.4 डिग्री रेकर्ड। एने सूचना देला भारतीय पाणिपाग विभाग। बुधवार मध्य राज्यर सबुठारु उत्तप्त शहर थिला भुवनेश्वर। एबे राज्यरे अनेक जिले में मध्य अधिक तापमात्रा रही। बारीपदा 38 डिग्री, तालचेर 37.1 डिग्री, अनुगुल 37.7 डिग्री, कटक 37 डिग्री, बलांगीर 37 डिग्री, टीटलागढ़ 37.6 डिग्री, नयागढ़ 36.5 डिग्री, संबलपुर 36.2 डिग्री रही। परवर्ती मार्च 1 तारीख रु क्षीर लिटर पिछा 50 टंका बदल 100 टंकारे किणवे ग्राहक। दिनकु दिन कृषि आईन को विरोध बढ़िवे लगी। दिल्ली सीमार कृषक माने लगातार आंदोलन करुथवा बेले कृषकों महापंचायत मध्य जारी रही। भारतीय किसान यूनियन पक्षर कृषि आईन को विरोध करी एक बड़ घोषणा करा जाएगी। सिंगु सीमार भारतीय किसान यूनियन पक्षर आयोजित होता एक गुरुत्वपूर्ण बैठक में घोषणा करा जाएगी जे मार्च 1 तारीख रु क्षीर मूल्य लिटर पिछा 50 टंका परिवर्ते 100 टंकारे बिक्री करा जिवो। भारतीय किसान यूनियन मुख्य मलकित सिंह कहिछन्ते जे मार्च 1 तारीख रु कृषक माने क्षीर मूल्य बढ़ावाक जाउछन्ते। लिटर पिछा 50 टंकारे बिक्री होउथुबा दुग्ध बर्तमान 2 गुण मूल्य अर्थात लिटर पिछा 100 टंकारे बिक्री हेबो। परवर्ती भारत आसुथुबा यात्री मानंक पई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक। एयर इंडिया एक्सप्रेस देशे हठात पुणि थे कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धि पाइबा परे एयर इंडिया एक्सप्रेस गुरुवार दिन विदेश रु भारत अभिमुखे यात्रा करथुबा यात्री मानंक पई एक नूतन मार्गदर्शिका और निर्देशावली जारी करिछि। एही नूतन नियम अनुजाई एयर इंडिया एक्सप्रेस रे यात्रा करबा पूर्वरु यात्री मानंक पई कोविड 19 परीक्षा को बाध्यतामूलक करा जाइछि। परीक्षा रिपोर्ट नेगेटिव आसिले ही यात्री को एयर इंडिया एक्सप्रेस रे यात्रा करबा पई अनुमति मिलिबो। निर्देशावली रे एहा मध्य कुहा जाइछि जे यात्री माने सेमानकर यात्रार 72 घंटा पूर्वरु कोविड 19 परीक्षा करायबे एवं कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट सह यात्री मानंकु विमान रे चढ़ीबा पूर्वरु विमान बंदर रे कोरोना भाइरस स्क्रीनिंग परीक्षा देबाकु पड़िबो। परवर्ती टियाला ओडिसा रे एलपीजी दर 2 मास रे बढ़िला 200। गतकाली पूर्ण थारे ओडिसा रे तरल पेट्रोलियम गैस घरोई रंधन गैस रो मूल्य सिलिंडर पिछा मूल्य रे 25 टंका महंगा होईछि। एथि सह गत 2 मास मधे एलपीजी रो सिलिंडर पिछा दर रे 200 टंका रो मूल्य वृद्धि घटीछि। गतकाली ठारु एही नूतन वर्धित दर लागू होइजिबा परे राजधानी भुवनेश्वर परिवार गुडीक पई एबे 14.2 केजी घरोई रंधन गैस सिलिंडर मूल्य 820 टंका 50 पैसा को वृद्धि पाइछि। एहा पूर्वरु भुवनेश्वर 14.2 केजी गैस सिलिंडर मूल्य 795 टंका 50 पैसा थिला। चलित फेब्रुवारी मासरे राज्य रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे क्रमागत भाबे एहा को मिसाइले तृतीय थरो पई मूल्य वृद्धि घटीछि। प्रथम थरो पई फेब्रुवारी 4 रे एलपीजी दर रे 25 टंका वृद्धि घटीथिबा बेले फेब्रुवारी 14 रे आउ 50 टंका वृद्धि करा जायथिला। परवर्तीटी हेला सोशल मीडिया ओ ओटीटी प्लेटफार्म पई गाइडलाइन जारी कले केन्द्र सरकार। भारत सरकार गतकाली सोशल मीडिया प्लेटफार्म ओटीटी प्लेटफार्म एवं डिजिटल मीडिया पई गाइडलाइन जारी करिछंती। केन्द्र सरकारक पक्षरु करा जायथिबा सांबादिक सम्मेलन रे गतकाली केन्द्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ओ प्रकाश जावडेकर गाइडलाइन विषय सूचना देइछंती। नूतन मार्गदर्शिका अनुजाई कोनोसी आपत्तिजनक पोस्ट देखिबा परे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को 24 घंटा मध्यरे ताहा हटाइबाकु पड़िबो। एहा सह डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परे निजकु नियंत्रण करिबाकु पड़िबो। सोशल मीडिया पे लागू करा जायथिबा गाइडलाइन को नै रविशंकर प्रसाद कहिछंती जे जदि कोनोसी उपभोक्ता विशेष करे जणे महिला को असम्मानित करिबा पई केही जदि सेमानक व्यक्तिगत अंग किंबा नग्नता किंबा अश्लील वीडियो शेयर करिथाय तेबे अभियोग परे 24 घंटा मध्ये एहाकु हटाइबाकु हेबो। महिलांक सम्मानकु सुरक्षा देबा पई एही गाइडलाइन अणा जायछि। तेबे पोस्ट हटाइले सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्यवहारकारी मानंकु एहार कारण दर्शाइबा सह सेमानक मतामत मध्ये सुनिबे। परवर्तीटी हेला कोरोना संक्रमण प्रसंगरे जिल्लापालंकु चिठी। संक्रमण करुथुबा 12 राज्य उपरे रहिबो नजर। कोरोना संक्रमण प्रसंगरे जिल्लापालंकु चिठी। म्युनिसिपल कमिश्नर विमान बंदर कर्तृपक्षंकु एसीएसंकु चिठी। संक्रमण करुथुबा
12 राज्य उपरे रहिबो नजर। राज्य गुड़िक हेला केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंग, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ओ आंध्र। एयरपोर्ट ओ रेल स्टेशन रे हेबो थर्मल स्क्रीनिंग। लक्षण किंबा ज्वर जणा पड़िले हेबो एंटीजेन टेस्ट। पॉजिटिव जणा पड़िले आइसोलेशन रे रहिबे यात्री। कोरोनार नुआ स्ट्रेन को नजर रखी एभली पदक्षेप नहींचंती सरकार। देशरे कोरोना संक्रमण नुआ स्ट्रेन बढ़िबारे लागिछि। महाराष्ट्र रे धीरे धीरे संक्रमण बढ़ुथिबार नजर आसीछि। तेबे एथिपै महाराष्ट्र सरकार किछि स्थान रे लॉकडाउन मध्ये घोषणा करिछंती। परवर्तीटी हेला देशरे बढ़ुछि कोरोना मीटर। 24 घंटा रे 16,700 रु अधिक मामला। महाराष्ट्र रे संगीन हेउछि स्थिति। दिन करे 8,807 नुआ आक्रांत। ओडिसा रे गतकाली हठात कोरोना पॉजिटिव को संख्या बढ़ी जाइछि। गत किछि दिन हेला ओडिसा रे स्थिति नियंत्रण थिले भी गत 24 घंटा रे नुआ आक्रांतक संख्या रे किछिटा वृद्धि पाइछि। 24 तारिख रे 99 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। सेपटे महाराष्ट्र रे पुणि थरे काया मेलाउछि महामारी कोरोना। मुंबई ओ पुणे सहर समेत राज्य रे एकाधिक सहरांचल रे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे बढ़िबारे लागिछि। केरल रे कोरोना संक्रमण हार महाराष्ट्र अपेक्षा कम रहिथिले मध्य अन्य राज्य मानक तुलना रे अधिक रहिछि। परवर्तीटी हेला 2 दिन खेल खत्म। बड़ स्टेडियम रे भारत रो बड़ विजय। इंग्लैंड विपक्षे रे 10 विकेट रे बाजी मारिला विराट बाहिनी। तृतीय टेस्ट रे भारत रो बड़ विजय। 10 विकेट रे इंग्लैंड को हराइला विराट बाहिनी। 2 दिन रे सरीगला तृतीय टेस्ट। विश्व रो बड़ स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे देखिबा को मिलिला विकेट वर्षा। दल रे भलो बॉलिंग देखिबा को मिलिथिला हेले शेषरे बाजी मारिनला इंडिया। भारत इंग्लैंड मध्य अहमदाबाद रो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जाउछि डे नाइट टेस्ट मैच। एही मैच रे प्रथमे टॉस जीती इंग्लैंड बैटिंग निष्पत्ति नेइथिला। आउ इंग्लैंड भी प्रथम इनिंग्स रे 112 रन रे ऑल आउट होइथिला। इंग्लैंड पक्षरु जैक क्रॉली 53 रन करिथिले। भारत तार प्रथम इनिंग्स रे 145 रन करिथिला। दल पक्षरु रोहित 66, गिल 11, कोहली 27, अश्विन 17, ईशान 10 रन करिथिले। सेहिपरि एही इनिंग्स रे इंग्लैंड पक्षरु रूट 5 ओ जैक ले 4 विकेट नेइथिले। परवर्तीटी हेला लोकार्पित हेला 5 ऑनलाइन सेवा। महिला ओ शिशु विकास विभाग रो 5 ऑनलाइन सेवार लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। राज्य सरकार को 5 उपक्रम को जरिया रे विभिन्न विभाग रो कार्य दक्षता रे उन्नति पै निरंतर प्रयास जारी रहिछि। गतकाली 5 उपक्रम अधीन रे महिला ओ शिशु विकास ओ एवं मिशन शक्ति विभाग रो 5 नुआ ऑनलाइन सेवा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लोकार्पित होइछि। सेहि 5 सेवा गुडी को हेला ई कलिका, मो छतुआ आप, ई मानदेय पोर्टल, ममता आप एवं मो शिशु पोर्टल। एही अवसर रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिछंती जे राज्य सरकार गत 20 वर्ष धरी महिला मानकर सशक्तिकरण एवं शिशु मानकर कल्याण को सर्वाधिक प्राथमिकता दे कार्य करि आसुछंती। एथिपै पंचायत अनुष्ठान मानकर महिला मानक पै संरक्षण ठारु आरंभ करी मिशन शक्ति कार्यक्रम जरिया रे 70 लाख महिला को सशक्त करा जायछि। राज्य सरकार को उद्यम रे ओडिसा आज महिला सशक्तिकरण ओ शिशु मानकर जत्न एवं पुष्टि क्षेत्र रे सारा देश रे एक आदर्श राज्य होई पारिछि। सारा देश रे ए पर्यंत केवल ओडिसा रे ही पुष्टि बजेट करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। परवर्तीटी हेला पेट्रोल डीजेल को जीएसटी अंतर्भुक्त करबा पई राज्य काहे कि देउनी प्रस्ताव। पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि को नै ओडिसा समेत विभिन्न राज्य रे प्रतिवाद देखिबा को मिलिछि। हेले एजाबत एहा को नै मुह खोली नाहंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्रति कथारे केन्द्र को चिठी लेखुथिबा नवीन किंतु एजाबत केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को तेल दर वृद्धि प्रसंग रे फोन करबा कि चिठी लेखिथिबार नजर नाही। फेब्रुवारी मास रे एजाबत पेट्रोल दाम 4.63 पैसा लिटर पिछा बढ़िथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 4.84 पैसा बढ़िछे। सेहिबोली 2021 रे एजाबत 2 मास रे पेट्रोल 7.22 एवं डीजेल 7.45 बढ़िछे। परवर्तीटी हेला आत्मप्रचार पई 400 कोटी। कोरोना संकट रे भी 33 कोटी बांटी छंती सरकार। गत वर्ष मार्च मासरो राज्य रे कोरोना महामारी संक्रमण देखा देबा परे राज्य सरकार विभिन्न प्रकार रो आर्थिक कटकणा जारी करथिले किंतु निजरो आत्मप्रचार पई अर्थ बांटीबा उपरे कोनोसी कटकणा रखि नथिले। जेउति पई कोरोना संकट समय रे गत वर्ष एप्रिल रो चलित वर्ष फेब्रुवारी 18 तारिख मध्ये 32 कोटी 95 लाख 70 हजार टंका विज्ञापन बाबद रे बांटी छंती। अवश्य एथिरे
କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସାମିଲ ରହିଛି। 2013-14 ରୁ 2020-21 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ 2013-14 ରୁ 2020-21 ମସିହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ମୋଟ 399,64,14,781 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ କେବଳ 2018-19 ମସିହାରେ 121,14,63,434 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।